उस एक दादी तय इतना बड़ा परिवार हो रहा है, 150 के करीब परिवार हो रहा है, या पूरी की पूरी गाल अगर देखोगे तो यह भी उस दादी के लड़के की है, और इस तपरली साइड में दूसरी गाल है तो वह भी दादी के लड़के की है, मतलब 150 के पूरा का पूरा पूरी ढाणी बसरी है सिर्फ एक महिला के परिवार तय। इधर आप देखो यह भी उस दादी का परिवार है, और आगे थे आप देखोगे सारा उस दादी का परिवार है, ये जितने छोटे मोटे बड़े ये बच्चे दिखे हैं ये सारे दादाई के पोते पड़पोते दरदोते मतलब जो भी हुआ है सारे दादी तय पैदा हुए हैं। पीछे लड़कियां खड़ी हैं तो वे भी दादी के पोती और हैं सारी, मतलब पूरी की पूरी गली दादी की है। तो दादी तब बेरा पटिया कि दादी 100 साल तो ऊपर की हो रही है, दादी का नाम नैनी है, और अगर दादी का बात करें तो दादी का 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में 2 लड़कियां हैं, 8 लड़के हैं, और जो इतना बड़ा परिवार है जो 2 गली है वे दादी के 8 लड़कियां की हैं, उनने के पोते पड़पोते तो सारे हो रहे हैं। तो दादी की बहू है ये, इधर ये आप देखोगे तो दादी की बहू है, तो जिधर भी देखोगे मतलब 8 लड़कियां का पूरा बड़ा परिवार हो रहा है, या पूरी की पूरी डाणी दादी के परिवार की बसी हुई है। तो हमने बेरा पटाया तो इसलिए आपने दिखाने खातर कि हरियाणा का इतना बड़ा परिवार 150 के करीब लोग हैं आ रहे हैं। तो दादी तभी बात करेंगे, आपने दादी दिखाएंगे कि दादी की उम्र कितनी हो रही है, दादी आज भी बोल रहा चल रहा है केक रहा है, तो सारी चीज़ आपने दिखाओगे। राम राम दादी। राम राम। ठीक होगी दादी? ठीक हूँ भाई। अच्छा खा पी ले ऐसे ही त्रिया? हाँ अच्छा खा पी ले। दादी मेरे दादा का क्या नाम था? अखेराम था। दादी नाम कौन है लेवा? अच्छा एक मिनट ना दादी ने सुना तो है मेरी तो बात समझे दादी, सुना है ना दादी? हाँ दादी ये सारी छोरे की बहू है, पोते की बहू है? ये पोता की बहू है वहाँ खड़ी। अच्छा और यह बेटा की बहू है यहाँ खड़ी। अच्छा यो बेटा है और यो खड़ा है, यो पड़ पोता है, यो पोता है। एक आंख तो दिखे मैंने, एक आंख तो दिखा है। हाँ थोड़ा 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 थोड़ा, एक तो कोना दिखता। हाँ इस आंधी। अच्छा। बढ़ा ही को लिया। अच्छा दादी उम्र घनी हो रही है। हाँ कितने साल की होगी दादी? के बेरो पटाई भी के साल की। 100 तो ऊपर हो गए? 100 तो ऊपर तो होगी। होगी दादी काम के कर रहा है? कौन हम? आपने काम के कर रखा है? के कर रहा भाई, गऊ चराया करता, दूध बलोया करता। अच्छा और घर वाला तो बल्ब खरीदिया करता है मेला में, इस मेला में खरीद लिया, अगला मेला में बेच दिया। अच्छा यो काम करया करता। यो काम करया करता। हाँ। कितने साल हो गए मेरे दादा ने गुजरे? 40 साल होगी। 40 साल हो गए। हाँ फिर बच्चे अपने आप पाले? और ये छोटा जा रहा है वो तो 1.5 साल का छोड़ा था, इसका ब्याह करके मर गया। दादी कितने बच्चे हैं? बच्चे कितने हैं? कि मेरे हाँ मेरे 8 तो छोरा था। अच्छा ये गुजर गया 80 डंडे होके, अभी 7 है और 2 लड़की है। 2 लड़की है, 9 बालक है। तो मतलब देख लो ये आप अगर पीछे भी देखोगे तो ये सारे पड़पोते पड़पोती, तो ताऊ है हमारी गेल्या जो दादी का 3रे नंबर का लड़का है, उससे बात करेंगे। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ? सरदार है मेरा नाम। सरदार। हाँ तो ताऊ आप 3रे नंबर के हो दादी के लड़के? हाँ 3रे नंबर। मतलब जो दादी का बड़ा लड़का है वो कितनी उम्र का हो रहा है? वो हो रहा है 80 का तो हो ही रहा है। 80 का हो रहा है। 80 का हो रहा है। तो मतलब ये जो 2 गाल है, मतलब आपने बताया कि ये 2 गाल है सारा दादी का परिवार है? ये दादी का परिवार है, 2 गाल। मतलब जो दादी के लड़के हैं उनके बच्चे हैं, उनके हाँ, उनके हैं। पोते पड़पोते नु सब इस करके। अच्छा मतलब कोई बाहर का नहीं आके बस? नहीं बाहर का नहीं, ये सब भाई 8 तो भाई हो गए। हाँ 8वां का फिर 4-4, 5-5 आ गए। हाँ फिर उनके पोते पड़पोते वैसे नु सारे बिहार के, मतलब ताऊ भी पोते वाले पड़पोते वाले हो रहे हैं। हां पड़पोते वाले हो रहे हैं हम भी। आपका ही पड़पोता हो रहा है? हां तो मतलब कुल मिला के कितने आदमी होंगे ये भाई? कुल मिला के 150 तो ऊपर ऊपर ही है, नीचे को नहीं। मतलब 150 तो ऊपर 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 ही है, नीचे को नहीं। हां मेरे है कम से कम 8 छोरी है। अच्छा 4 छोरे हैं आपका? 8 छोरी है? हाँ और 4 छोरे हैं? 4 छोरे हैं, 10-12 तो मेरे ही हो गया। हाँ। परेशन पुरुषन। हाँ मतलब जो आपके लड़के 8 लड़की आप है? हाँ। 4 लड़के हैं तो सारे की शादी हो रही है? 2 रह रहे बाकी शादी हो रही सब। तो उन पर भी आ गए कि एक दो, दो उन पर भी होंगे? हाँ बालक हैं, 2-3 के बालक सब पे है। मेरे ख्याल में लड़के लड़कियां का परिवार हो गए दोनों गली। हाँ। लड़कियां तो ब्याह के बाहर चली गई, लड़कियां तो बाहर ब्याह कुछ है और भी पोती पड़पोती हो है। हाँ बंदा ब्याह ही है। इतना बड़ा परिवार सारा है दादी का? है दादी का है ये परिवार सारा ही। 8 बहू दादी का? हाँ और फिर इतने मतलब 16 तो ये हो गया, फिर आगे नहीं होना बेरा। मतलब ताऊ कहे 8 छोरी और 4 छोरे हैं, ताऊ कहे मतलब 12 बालक है। किसी के 8 है, किसी के 10 है, किसी के 9 ही है सारे, किसी के 5 है, किसी से ज्यादा 150।
पहली परेशान पुरुषन तो कराया कोई करते हां आए तू के लागे दादी दादी के लागे तेरी पड़पोती लागे पड़दादी पड़पोती है और आप भी पड़पोते हो नहीं हम पोते हैं पोते हैं पड़पोता यो इतना बड़ा हो रहा है आगे ना जा सूरज सूरज हां आपकी बेबे ब्याह रखी है ब्याह रखी है उसके बालक हो रहे हैं तीन बालक हो रहे तीन बालक हो रहे आपके बड़े भाई हां मैं साथ साथ हां मतलब पड़पोते साथ हो एक के लेकिन एक बहू है साथ में बहुआ तो बात करेगी राम राम जी राम राम जी के नाम है नाम बता दो कमला कमला आपके हो दादी के छोरे की बहू हाँ छोरे की बहू छोरे की बहू है यो के है ये पड़पोता हो गया बार खूब जावे बार तो पूछो पेट परिवार तो सारा उरी रहे अपना तो अच्छा बड़ा बड़ा आदमी जावे छोरा छोरा बार जावे लोग ही कौन जाया करे मारे राम राम जी राम राम आपका नाम बता दो पहले तो नीतू है जी नीतू है जी हाँ। अच्छा आप नु बताओ मतलब आड़ा तो आप ब्याह आ रहे हो हाँ। और मतलब फिर बेटी कौन से गांव की हो आप अलोर कुंज अलोर कुंज अलोर जलो राजस्थान से हाँ राजस्थान में हाँ। अच्छा कितने साल को हो गया आपकी शादी ने मेरी शादी को होगी जी 25 साल 25 साल आपके भी पोते हो रहे हैं हाँ, पोता को नहीं हो रहा जी टाबर ब्याह रखे मतलब बच्चे ब्याह रखे हाँ दोता दोती हो रहे जी दोता दोती हो रहे लड़की ब्याह रखी है हाँ लड़की ब्याह रखी लड़का भी ब्याह रखे आपके कितने बच्चे हैं चार बच्चे जी चार बच्चे दो लड़के दो लड़की हाँ अच्छा मतलब सारा इतना बड़ा परिवार है दादी का दादी लड़ाई करती है जब आए सासू का हाँ दादी खूब लड़ाई करती जी खूब लड़ाई करती दादी फिट भी दिया करती अच्छा आठ आठ बहू काबू में करनी छोटी बात थोड़ी ना छोटी बात है चर कट्ठी दिया करती जी सूट शर्ट को नहीं पहरा जी मारी यू रिवाज है जी खाली राजस्थान के रहने वाले वहां अच्छा हरियाणा में रहने लग गया तो और भी थोड़ा बहुत बदल लिया कितने साल हो 40 साल होगी जी हमें 40 साल हो गए हाँ मतलब आड़ा है यो जो है 40 साल तो आड़ रहो उससे पहले राजस्थान में रहा करते इसके चली मैट रहा करता 20 साल मैट रहे अच्छा हमने 60 साल होगी ओरी रिया जी हम तो ओरी तो जलमी यार ओरी ब्याह दी हम तो पीरिया यार पीरिया ही पहली तो राजस्थान था यार ससुराली राजस्थान था हाँ ये पीरिया हरियाणा रहने लग गया सासरे हरियाणा रहने लग गया अच्छा पीर वाले भी हरियाणा मेरे लगे हरियाणा पसंद आ गया हरियाणा पसंद आ गया पसंद आ गया अच्छा तो ये तो इतना हरियाणा पसंद आ गया 60 साल ताड़े रहो मेरे ख्याल में दादी ने पसंद आ गया था हरियाणा दादी तो पूछेंगे ए दादी पहले राजस्थान में रहा करते फिर आड़े कितने साल तक रहो हो उरे हाँ उरे होगी 50 साल 50-60 साल होगी हाँ तो हरियाणा पसंद आया हरियाणा पसंद आ गया लाड के जद कुंज जावे उल्टा अच्छा हाँ पहले राजस्थान में के काम करया करते दादी खेती करया कर ले खेती करया करते हाँ धरती है धरती है पर उड़े कम हो है ना पैदावार हाँ के उड़े राम बरसे तो जब ये पानी कौन लागे पानी कौन लागे हाँ तो दादी के बोया करते उड़ राजस्थान में बाजरा ग्वार मूंग मोठ ये चीज हुए गेहूं कौन होवे गेहूं कौन होवे कौन होवे तो फिर आड़ा आगे हाँ मेरा दादा भी था साथ में जब मेरा ससुरा ना घर आला आपका हाँ साथ में ही था जब हाँ। अच्छा और सासू ससुरा भी आए थे साथ में सासू ससुरा आए थे साथ में देखा मैं सासू ससुरा नहीं देखा अच्छा छोटा तो आप का याद है जब आड़ा आए थे याद है दादा वो ताऊ ही बाप आड़ रहो हो ही ना बोल रहे बट्टाली रानी बोलते हैं जो थारे वोटर कार्ड है या फिर जो भी है तो वो किस गांव के नाम पर बना है फिर ये नया गांव पे नया गांव रामपुरा का रामपुरा हाँ तो रामपुरा के वासी हो आप हाँ रामपुरा के वासी क्योंकि जो वो उसमें नाम तो आवेगा आधार कार्ड में आधार कार्ड में नाम आवेगा कौन से गांव की हो हाँ 50-60 साल तो रहो तो फिर अड़े के हो गए अड़े के हो गए तो रे के हो गए समझो तो राजस्थान का नाम नहीं चलता ना उसमें नहीं राजस्थान का कौन चले मारे तो रे का चले सारा और सब हर चीज आईडी वीडी सब ओरे की चल है रामपुरा की चल है हां श्री रामपुरा की पर लेकिन आपका जो इतना 150 औकात भी बड़ा परिवार है तो यो तो अलग सब से रहा सब तो हां अलग ही बस हो रहा है अलग ही बस रहा है बाकी तो पंचायत में तो ओरे ही है सारा में गांव में इन गांव वाले ने बसाया था हां या समलाद की जमीन पड़ी थी नहीं अच्छा या लोगों ने जमीन गांव वाले ने दी या सरपंच ने रिंग ने मतलब गांव में भी जाओ फिर रामपुरा हां गांव में भी जाओ सारे बस नए गांव भी और थी सब राशन भी काम के करो वहां पे काम तो किमी तो गाड़ी गुड़ी चलावे छोरे ये ट्रैक्टर रखो हां के में कोई बकरी धंधा नू रेवड़ रोबड़ी राख रखे यार ये रखे रहो
बाकी कोई कपास चुग ले, कोई अपने गेहूं गेहूं काट ले, जीरी काट ले है। तो ये बहुत काम हो रहा है। हाँ, काम धंधा हो रहा है और राजस्थान हरियाणा में काम धंधा पाया जाए। उस टाइम तो छोटा परिवार था, ये तो पूरा बड़ा परिवार। हाँ, उस टाइम तो 10-12-20 साल तो हम मिल रहे। दादी का एक गांव बस रहा है, गांव दादी का ही बस रहा है। मतलब इसने हमने बाहर तो सुना ना, तो मतलब इन बताया कि मतलब डाणी है और पूना भट्टा वाली डाणी बोल रहा है। मतलब दादा का नाम शेर सिंह था? नहीं, अखेराम। और आप देखोगे मतलब हमने तो छोटे से लेकर बड़े थी जो भी आड़ा दिखा वो दादी नैनी, दादी का नाम कसूता ला गया, नया नाम है नैनी। और दादी की उम्र हो रही 100 साल तक ऊपर। आप बाकी देख भी सको दादी के हाथ पैर और सेवा पानी बढ़िया हो रही दादी हो रही है, ठीक कर रहे हैं। टाइम पास, इतना बड़ा परिवार होया तो सेवा पानी तो करनी चाहिए। भगवान का है, अपना कुछ नहीं है। सही बात है दादी, मरण ने जी कोने करता, मन का जी नहीं करे, भगवान मौत तो कौन दे, करे है मरण ने जी। अच्छा, इब्बा के करेगी, इब्बा तो और बड़ा परिवार होगा, बड़ा तो होता ही जाएगा, होता ही जा रहा है। पूरा गांव बस गया, पूरा गांव, एक यो बैठा सोरा, यो भी मेरा है। अच्छा, यो अच्छा, यो ताऊ भी, यो कौन से नंबर का ताऊ है? राम राम ताऊ, चौथे नंबर हूँ जी। मेरा मेरा नाम पप्पू है जी, तोते हो रहे जी, 12 मेरे, 12 पोते और बेटे का है, बेटे 3 थे, गुजर गया बीच वाला। अच्छा, ये 12 पोते हैं। हाँ, अभी ब्याहूंगा पोती ने, पोती ने ब्याहोगे, मतलब सारे आके बड़े बड़े हो रहे थे और ब्याह भी रखे हैं। हाँ, ताऊ और अपन पोते पोते आड़े हो रहे हैं, तो मतलब दादी ने क्या खोट करा, दादी तो 100 साल तो ऊपर की हो रही है, दिखा दे ऊपर चढ़कर की दादी नैनी का कौन सा गांव है। तो आपने आसपास जितने भी मकान दिखेंगे, जितने भी घर दिखेंगे, जितने भी लुगाई आदमी बालक, तो सारे वो गांव इतना जो डाणी है जो है पूरी की पूरी डाणी दादी की है। दादी तो शुरू होकर ना यार इतना परिवार हो रहा है कि 150 तो भी ज्यादा। तो आपने देखा मतलब दादी का एक एक लड़के का 8-8-9-9, अगर उस ताऊ का बात करी तो 12 पोते हो रहे हैं और अगर पोती ने ब्याह हुआ तो इतना बड़ा परिवार और वो भी एक महिला था। तो यो था हरियाणा का सबसे बड़ा परिवार, जो एक दादी नैनी था, इतना बड़ा परिवार हो रहा है, पूरी की पूरी डाणी बस रही है और पूरा मतलब गांव है एक छोटा सा देखा था। और अगर बात करी दादी हरते की, जो आधार कार्ड है तो पास में लगता गांव है उससे के निवासी ये हो रहे हैं और लगातार काम भी कर रहा है। पूरी 2-3-4 गली है जो लगातार दादी के बालका की है, पोते पोतिया की है, पड़ पोतिया की है, छोरी ब्याह के बाहर चली गई लेकिन दादी के पोते पोती इतने हैं, लड़के इतने हैं कि पूरा का पूरा गांव बच गया है। तो आपने के कहना, आपने इतना बड़ा परिवार देखा है? अगर देखा हो तो ज़रूर बताइए, आपके आसपास भी इतना बड़ा गांव है तो जो सिर्फ एक महिला तय इतना बड़ा परिवार हो रहा है, तो आप के कहोगे कि कितना बड़ा परिवार है, कितने बच्चे पैदा कर रखे, अगर भी 10-10-12-12 पोते पोती है तो ज़रूर बताइए, तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय हिंद।